देश में अगले साल विधानसभा चुनाव के हैं। इससे पहले सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी की देखा देखी घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की है, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं देता। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का कार्ड निकालने के लिए सूबे में घर घर चलो अभियान की शुरुआत तो की, लेकिन इस अभियान का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ सक्रिय नहीं दिखे और न ही दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने इस अभियान में दिलचस्पी दिखाई। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई अभियान शुरू किए थे जो फ्लॉप साबित हुए हैं। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर कमलनाथ ने नाराजगी जताई थी। वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम भी कांग्रेस ने शुरू किया था जो असफल रहा। मंडलम सेक्टर का गठन भी ठीक ढंग से नहीं हो सका। सरकार गिरने के बाद से कांग्रेस 23 में से 22 उपचुनाव हार चुकी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसती नजर आ रही है। क्या हुआ, घर घर चलो अभियान में कमलनाथ जी तो गाड़ी से ही नहीं उतरे, कमलनाथ जी कार से नहीं उतरे और बाकी नेता घर से नहीं निकले। तो देखिए, ये ढकोसले से काम नहीं चलता। भगवान रविदास हो, भगवान वाल्मीकि हो, भगवान बिरसा मुंडला हो, टंट्या भील हो, या ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, उनके प्रति हम पहले से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारी सरकार का मूल है, हमारी सरकार का ये नीति है कि वो महापुरुष जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को हम समाज को बताएं। अब कांग्रेस हमारी नकल करते हुए केवल चुनावी एजेंडा करती है। ये वो पार्टी है जिसमें उनके नेता राहुल गांधी चुनाव के समय कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, महाकाल बाबा का त्रिकुंड लगा लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले में अपना बचाव करते दिख रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घर घर चलो अभियान अच्छे से चल रहा है। जो रिस्पांस कांग्रेस से घर चलो अभियान को मिला है, जन जागरण यात्रा को मिल रहा है, वह अकाल्पनिक है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था वह फ्लॉप रहा है। वहाँ जनता का आक्रोश का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कई जगहों पर सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान में कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे। कांग्रेस के जो नेता अभियान में शामिल हुए उन्होंने भी सिर्फ औपचारिकता पूरी की। बहरहाल विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस को पटरी पर लाना कमलनाथ के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया घर घर चलो अभियान उतना असर नहीं दिखा पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस अभियान में एक ही बार शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, अजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा जैसे नेता इस अभियान में दिखाई नहीं दिए। वहीं जो नेता दिखाई दिए उन्होंने भी केवल खानापूर्ति ही की। कांग्रेस ने इस अभियान में एक कार्यक्रम दिया था जिसमें सहजता अभियान, बूथ पर जाना और लोगों को कांग्रेस के बारे में बताना शामिल था, लेकिन किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की देखा देखी संगठन के अभियान तो शुरू कर देती है, लेकिन वो अभियान शुरू होते ही अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे में आने वाले 1.5 साल में कांग्रेस का संगठन कैसे खड़ा हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।